कट करता है भाई सुनो ए बात सुन लो क्यों दान कर दो भाई घर का ताला छोरा को नहीं ब्याह जांदा के तो गटका ताला कौन देनु कौन सा घर का ताला हैं क्यों बंद क्यों करे थी खुला रखा अपना भाई डाले प्रयास किया करो जिंदगी तो खोदी तुमने दूसरे लोगों के लिए वो भी झूठ बोलने के लिए पाप कर्म में उनने दूसरे खातिर अपना आपा खो दिया टाइम भी खोया जीवन भी बर्बाद करा और जो काम करने वाला था उसने भूल गए कदे एक मिनट भी हम नाम नहीं जपते एक मिनट प्रभु को याद नहीं करते खोटे मंदे कर्म करते हुए कभी सोचते भी नहीं मैं क्या करता हूँ उसका परिणाम क्या होगा कर्म दिखाई देने में अच्छा और सच्चा लगता है लेकिन परिणाम उसका बहुत बुरा होता है जो किसी के दिल की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है वो बुरा कर्म है और अगर किसी के दिल को खुशी देता है वो बुरा कर्म नहीं होता किसी के दिल को सांत्वना देता है उसको खुशी देता है जो जो उस बात में कोई धोखा नहीं होता तो वो अपने आप ही धर्म का पुण्य का और अच्छाई का और भलाई का काम है दुख दर्द तो किसका जीव सताने से आदमी को दुख मिलता है जीव कैसे सताया जाता है वो अपने कर्म से एक कर्म ऐसा करते हो जिसके कारण जीव के दुख होगा जाहिर में अगर देखोगे तो कोई बुरी बात नहीं है एक कर्म ऐसा होगा देखने में जाहिर में तो बहुत बुरा लगेगा लेकिन उसकी आत्मा को अगर तुमने शांति दी है तो वो तुमने लाख बार जो है उसका धन्यवाद देगा दुआ करेगा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा कि मालिक इसका भला करे किसी का दिल जीतना ही सबसे बड़ी भक्ति है भक्ति में और सिखाया कि जो है
क्या हो गया इसके क्यों बिठा हुआ है कर बात ये इस तरह ले आओ सबरे बोलो कितने आदमी और ने परेशान करे यो से पाप कर्म तो कितने आदमी आप पाप ले लिया इसे सर इतना ही रोक था कोई पहले उठ के चली जाए किसी के तकलीफ से दिक्कत से तो पहले नहीं जा सके क्या कहते हैं क्या कहते हैं दस लाख के पहले कौन बेरा था इस बात का दस लाख के बीच में बैठे यो सजल साबित हो गया ना भाई सत्संग को ये यूं थोड़ा सा क्यों उरे बैठ के ना मैं लेक्चर दूंगा वो सत्संग होगा यूं सत्संग से जब इसको पता है तो तकलीफ है दिक्कत है बीच में उठना पड़ेगा तो पहले ना इसी जगह बैठे एक भी कई इसी से छोटे बालकान लेके बैठी हैं दबको के बैठी हैं थोड़ी देर में रोएगा बच्चन तो बेरा को नहीं के बात से के नहीं लेकिन ना उसे दबा के एक उड़े देखी मैंने सात बालकान लेके आई बोलो इससे बड़ा कोई को नहीं वहां एक के सिने की है वही किसके में देखदार है सातवां लेके फिर उलन चाली तो उनके लिए नहीं कही है कि इंसान अगर समझ के साथ काम करे ना सारे काम समझ के साथ करे उसको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और अच्छा करते करते भी अगर जिस इंसान को परेशानी होती है तो समझो उसको प्रारब्ध कर्म का कर्ज था वो पूरा होने लगा और वो कर्ज सबको चुकाना है अभी जो शब्द गाया था मेरा ये था वो कि अब की बार उभारो सतगुरु अब की बार उभारने का मतलब ये बार कई आली बहुत बार आली ये जीव 84 लाख जीवन का 84 लाख योनियों का मुसाफिर है कभी सुसा कभी मूसा कभी कुत्ता कभी बिल्ला कदे भेड़ कदे मक्खी कदे कीड़ा मकोड़ा जानवर कुछ कुछ बन के आया चार खान का जीव लेकिन मुश्किल से जब इंसान का चोला मिला तो इसको ये बात कही कि थोड़ा बहुत भी जिसको ज्ञान से कि सतगुरु तू खुद बंधन से मुक्त है इसलिए मुझे भी इन बंधनों से मुक्त करवा के इस काल देश से निकाल अब की बार मतलब इंसान का चोला मिला है और बार तो जब जाली ने वो तो मुश्किल थी उनमें गुरु नहीं था सत्संग नहीं था नाम नहीं मिलता समझ और ज्ञान उपदेश देने वाला कोई नहीं था प्रभु का गुणगान और रास्ता बताने वाला कोई भी तरीका नहीं था इंसान के रूप में सारे तरीके मिलते हैं फिर उसके बावजूद जो है हम रास्ते से भटकते हैं जान बुझ के जो अंधे बढ़ते हैं तो कौन रास्ता दिखाओगा फिर कहते घटका ताला कोई नहीं खोले ये भी भ्रम है कोई यूंगन जाओ कि सतगुरु खोल दिया सतगुरु जो खोलता मैं खोलने लग रहा ये बात है जो इन बातों को मान के अपने जीवन में उतार लेगा उसका घटका ताला खुल जाएगा मन चंचल पांव दलदल में फंसा के बैठ जा कि मन तो चाहो है कि मैं पहाड़ की चोटी पर बैठ जाऊँ लेकिन फंसा बैठा दलदल में तो ये परिवार रूपी माया देश की दलदल में फंस के तुम कल्पना करते हो वहाँ चढ़ने की पहले दलदल से निकलो दलदल से बाहर नहीं निकलते मोह के बंधन में पड़े जो सत्संग में आके इंसान ने सीख लेनी चाहिए मैंने बैठे बैठे ना हंसी आती एक बात याद आ गई बात याद कि आगे वहाँ देख कितने लोग सत्संग में आओ सत्संग में भी कितनी बात बताई जा से एक बात भी पल्ले बांध के कौन लेके जा और लेके जाएंगे तो भी उसका कोई उल्टा मतलब लगा ले एक महापुरुष सत्संग कर रहा था सत्संग सुनाते सुनाते एक रोज सत्संग में जाओ रोज आना सत्संग सुनो तो उपदेश कर दिया नहीं वो गुरु महाराज ने फरमाया कि भाई ममता छोड़ और संतोष राख ममता उसी बहू का नाम था उसे सोचा गुरु ने और संतोष था नौकरानी का नाम कि गुरु जी तो नहीं हुए ममता तो कर दे एक और ने संतोष ने राख तू वहाँ ममता कर दी एक और संतोष ने रखने लग गया दूसरे सत्संगी वो पूछने लग गए भाई यू के सांग कर जाते ना क्यों क्या कर दिया
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੇ ਨੂਰਾ ਕੇ ਨੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਦੀ ਮਮਤਾ ਛੋੜ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲਾਇਕ ਉਹ ਹੈ ਕੋਨੀ ਮਮਤਾ ਜੋ ਬੰਧਨ ਸੇ ਉਸ ਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਹ ਧੀਰਜ ਰਾਹ ਨਾਮ ਨਾ ਫਸ ਤੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਮਾਰੀ ਥੀ ਲਾਗੀ ਨਹਿਰ ਬੰਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੂਕ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਚੇਲਾ ਮੈਂ ਛੂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫੂਕ ਸੱਚੀ ਮਾਰੇ ਸੇ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਸੇ ਮਨ ਕਾ ਭਟਕਾਵ ਰੋਕੇ ਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸੇ ਕਰਮ ਕਾ ਲੇਖ ਸਮਝਾਵੇ ਸੇ ਜਬ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੂੰ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਏ ਉਨਕੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਭਟਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾ ਰਾਸਤੇ ਕਾ ਕੋਈ ਠੋਰ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 84 ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੀਏ ਮਰਿਆ ਖਪਿਆ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਤੇ ਉਠਾਤੇ ਯਾ ਯੋਨੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਤੋ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਥਾਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਰਾ ਉਦੋਂ ਥਾਰਾ ਸਾਥ ਜਾ ਥਾਰਾ ਦੁੱਖ ਬਟਾ ਦੇ ਏਕ ਲੈ ਰਹਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਦਰਦ ਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਦਰਦ ਸੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਕੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਟਾਓ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ
Like this.
ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕਲੀ ਪਾਛੜੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਪਾਈ ਦੀ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦੋਤਰਾਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਸਕਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਨ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਖੋਟੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਛੜ ਕਪਟ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕਮਾਵੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਓਡ ਜੋਡ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਨਾ ਜਬ ਉਸਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੋੜਿਆ ਵਾ ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮੀ ਕਾ ਜਬ ਕਹੀ ਨੇ ਕਿ ਥਰ ਥਰ ਕਾਇਆ ਕਾਂਪਣ ਲਾ ਗਈ ਹਲਿਆ ਜਾਤਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸੇ ਬੁਲਾਵਾ ਕੜਵਾ ਬੋਲ ਰੰਗ ਕੱਟੀ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੈ ਜਾਏ ਬੁਰ ਹੋਈ ਰੰਗ ਕੋਈ ਕੱਟਦੀ ਰਾਤ ਨੇ ਸੌਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡੀ ਜਾ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ